सीढ़ी है, इस सीढ़ी में उतरने का कोई प्रावधान नहीं है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यात्री का पैर इसकी नीचे की तरफ जा सकता है। अब मैं आपके सामने उतर रहा हूँ, मेरे पास पकड़ने का कोई साधन नहीं है, ये मैं कूद करके उतरा हूँ। अब कोई भी पैसेंजर अगर यहाँ से चलता है, पैर रखेगा तो उसका पैर सीधा नीचे की तरफ चला जाएगा। ये गैप है, गैप इसलिए है कि ये स्विट्जरलैंड वाले बोगी है, पहले इनके प्लेटफॉर्म यहाँ तक होते थे, ऊपर इसकी हाइट रहती थी तो ये सीधा यहाँ तक आ जाता था। अभी इसके लिए प्रोविजन ये है, इन हैंडलों को आप देख रहे हो, अगर इन हैंडलों को हम यहाँ से काट करके एक 3 इंच 3.5 इंच की एल्बो लगाते हैं और इस हैंडल को हम यहाँ ला करके बेल्ट कर देते हैं तो ये हैंडल हमारा इधर आ जाएगा, जिससे पैसेंजर को पकड़ने में सुविधा रहेगी। ठीक इसी प्रकार से इस वाले प्लेटफॉर्म को हम 3.5 इंच बढ़ाते हैं तो यात्री के पैर रखने की जगह यहाँ आ जाएगी, जिससे आसानी से पैसे यात्री चढ़ सकेगा और कोई भी जनानी यात्री की नहीं हो पाएगी। इसमें उसके अंतर क्या है, एक बार देख लेते हैं दोनों। ये वाली बोगी को अगर बात करें तो इसमें हम देखेंगे ये दोनों हैंडल देखिए प्रॉपर लगे हुए हैं, जैसा उसमें प्रोविजन बताया गया था, इसमें पकड़ के, और ये सीढ़ी से बाहर है, इसको हम इस तरीके से चढ़ करके आराम से उतर सकते हैं, इसी तरीके से इसको पकड़ के हम ऐसे उतर सकते हैं। लेकिन अगर इस बोगी की हम बात करें तो इस बोगी में हमारे पास प्रोविजन नहीं है, इसमें प्रोविजन नहीं है, इसमें हमको ये हैंडल को यहाँ से काट करके 1.5 इंच की एल्बो लगानी पड़ेगी और बेल्ट करके इसको लाना पड़ेगा, प्लस 3-3 इंच का हमको इधर प्लेटफॉर्म बढ़ाना पड़ेगा, तब यात्री इस पर चल पाएगा। ये शताब्दी एक्सप्रेस में कुछ कुछ बोगी में है, सारी बोगी में नहीं, कितनी बोगी में ऐसा है। घटना कभी देखी आपने कभी हुई? ये हाँ, बीच में कईयों बार ऐसा हुआ है कि कईयों लेडीज या वृद्ध लोग गिरे हैं या उन लोग को पकड़ के हम लोगों ने उतारा भी है। इसमें कुछ ना कुछ मैनुअली मैं चाहता हूँ कि ये चेंजेस हो जाए, जिससे कि किसी यात्री की कोई दुर्घटना ना हो, कोई जनहानि ना हो, रेलवे का नुकसान ना हो। ठीक है भैया जी, धन्यवाद।